बीएसजी में आप सभी का स्वागत है, जो कि एक ब्लॉकचेन स्प्लिट गेम है। ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, ओपन है और ट्रांसपेरेंट डाटा सिस्टम है, जो कि ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है। और सबसे अच्छी चीज, इसमें जितने भी फंड्स चाहते हैं वो पूरे के पूरे 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसी के साथ ये प्लेटफॉर्म आपको रेगुलर बेसिस पर एक पैसिव इनकम देने वाला है। 15 दिन के अंदर आपको 22.5% की अर्निंग होने वाली है, और इस तरीके के कई साइकिल्स आएंगे जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर अर्निंग कर पाएंगे। तो आखिर बीएसजी क्या है और इसमें आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहना। बीएसजी लॉन्च किया गया जनवरी 2022 में, जिसका मेन मकसद यही है कि वर्ल्ड का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड स्प्लिट गेम प्लेटफॉर्म बनके आप सभी को एक फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाए। और वैसे भी बीएसजी डिजाइन किया गया वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट माइंड्स के द्वारा, जिससे एक बेस्ट मार्केट ऑपरेशन मैकेनिज्म बनाया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। सबसे अच्छी चीज बीएसजी की यह कि डिजाइन किया गया सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी कि 3 से 5 साल तक की इसकी रीअश्योरेंस है सभी प्लेयर्स को रेगुलर बेसिस पर इनकम दिलाने की। तो आइए अब हम बात करेंगे कि बीएसजी लेवल्स और स्टैंडर्ड्स क्या हैं। सबसे पहले 1 स्टार प्लेयर्स, जिसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं $50 से लेकर $450 तक, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो आप 2 स्टार प्लेयर्स होंगे, जिसमें डिपॉजिट होगा $500 से लेकर $950 तक। 3 स्टार प्लेयर्स वो होंगे जो डिपॉजिट करेंगे $1,000 to $2,000, और 4 स्टार प्लेयर्स जो पर्सनल डिपॉजिट $1,000 या फिर उससे ज्यादा करने वाले हैं, और उनकी सभी लाइंस की जो परफॉर्मेंस है वो एटलीस्ट $10,000 की हो। और इसी के साथ अगर आपकी 50 प्लेयर्स की टीम होगी तो आप 4 स्टार प्लेयर बन जाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस मीट करने पर आपको 4 स्टार प्लेयर बनने पर कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जो मैं आपको अभी जल्दी बताऊंगा। नेक्स्ट है 5 स्टार प्लेयर्स। ये बनने के लिए आपका पर्सनल डिपॉजिट $2,000 का होना चाहिए, और आपकी सभी लाइंस की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो एटलीस्ट $50,000 की होनी चाहिए विद 200 प्लेयर्स। तो इस तरीके से आप 1 स्टार से 5 स्टार प्लेयर बन सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर, और इसी के साथ आपकी टीम कितनी है और आपकी टीम का डिपॉजिट कितना है। अब हम बात करेंगे कि आपको यहाँ बीएसजी गेम रेवेन्यू क्या मिलने वाला है, तो ये रेवेन्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये सब कुछ हम जानेंगे। अर्निंग पर साइकिल आपको 22.5% की मिलने वाली है, यानी कि 15 दिन का साइकिल होगा और डेली बेसिस पर आपको यहाँ अर्निंग मिलने वाली है। तो ये तो है पैसिव इनकम। इसके अलावा जो रेफरल इनकम है वह 20 लेवल्स ऑफ इनकम, 5% आपको फर्स्ट ईयर से मिलेंगे, 1% आपको सेकंड ईयर से मिलेगा, 2% थर्ड ईयर से, 3% फोर्थ ईयर से, 1% फिफ्थ ईयर से, और इसी तरीके से 1% आपको 6th, 7th and 10th ईयर तक मिलने वाला है। 11th से लेकर 20th लेवल तक आपको 0.5% इनकम मिलेगी, यानी कि आप टोटल 20 ईयर से लेवल इनकम कमा सकते हैं। लेकिन इनके लिए एलिजिबल होने के लिए आपका जो स्टार रैंक है वो अपर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें 4 स्टार प्लेयर इनकम की, तो इसमें आप 1 से लेकर 5 ईयर तक की इनकम कमा सकते हैं। तो 2nd से लेकर 5th ईयर तक की इनकम तब रिलीज होगी जब प्लेयर का डिपॉजिट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये वेटेड डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एवरी 24 आवर्स। अब हम बात करेंगे 5 स्टार प्लेयर बेनिफिट्स की, जिसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है 1 से लेकर टोटल 20 ईयर तक, जिसमें बहुत बड़ी इनकम होगी। और जो बेनिफिट आपको 2nd से 20th ईयर तक है वो आपको रिलीज किया जाएगा जब प्लेयर्स का डिपॉजिट एक्सपायर होगा। इसी तरीके से 6th to 20th ईयर्स का जो बेनिफिट है वो रिलीज होगा जैसे ये कोरिलेट हो जाएगा 1:1। इतना ही नहीं, यहाँ आपको टॉप अवार्ड भी मिलने वाले, जो सबसे ऊपर वाले 3 टॉप परफॉर्मर्स होंगे विद इन 24 आवर्स इन फर्स्ट ईयर, तो वो अवार्ड ये लेने वाले हैं। अगर top 3 tier में सेम परफॉर्मेंस वाले भी कुछ लोग हैं तो ये रैंक डिपेंड करेगा कंप्लीशन टाइम के ऊपर। तो जो फर्स्ट प्लेस पे होगा वो 50% रहने वाला है, हाईएस्ट $2,000 का रहेगा। सेकंड प्लेस पे 30%, हाईएस्ट $1,000। थर्ड प्लेस पे 20% रहने वाला है, जो कि हाईएस्ट $500 रहेगा। इसी के साथ आपको लकी प्राइस भी मिलने वाला है, जो रहेगा 0.5% ऑफ द एंटायर मार्केट, जो 24 आवर्स में होगा। और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन लोगों में जो पिछले दिन के 10 आखिरी लोगों के जो मार्केट में एंटर करेंगे। कैलकुलेशन की बात करें तो ये डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि उनका जो भी डिपॉजिट अमाउंट रहने वाला है, और टोटल डिपॉजिट अमाउंट जो कि आखिरी 10 लोगों का रहेगा। तो आइए अब हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ मिनिमम डिपॉजिट जो है वो $50 का रहेगा, मैक्सिमम $2,000 का रहने वाला है, जो आप इंक्रीज कर सकते हैं 50 के मल्टीपल्स में। इसी के साथ बर्न मैकेनिज्म भी लगाया गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो है डिपॉजिट 1:1 एसोसिएशन। जैसे प्रीवियस साइकिल का डिपॉजिट एक्सपायर हो जाता है, आपको कंटिन्यू करना होगा एक नया डिपॉजिट लगाकर, जो कि नेक्स्ट साइकिल के लिए रहेगा। और ये अमाउंट या तो इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए पिछले डिपॉजिट अमाउंट से। तो जैसे ही आपका डिपॉजिट कंप्लीट होगा तो आप विड्रॉ कर पाएंगे आपका पिछला डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि इस तरीके से आप इनकम वापस ले सकते हैं।
दूसरा है 2+1 मॉडल। एक दिन का फ्रीजिंग पीरियड ऐड किया जाएगा हर एक 2 डिपॉजिट में, जिससे इनकम इंक्रीज नहीं होगी और मैक्सिमम इंक्रीज 45 दिन का हो सकता है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे री इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म की। तो जो भी आप विड्रॉ करने वाले हैं, जो भी आपका अमाउंट बाहर आएगा, उसमें से 30% जाने वाला है री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो ये अमाउंट जाएगा न्यू अकाउंट डिपॉजिट में। तो जो भी डिपॉजिट एंड ट्रांसफर के फंक्शंस हैं, आउट फंक्शंस हैं, वो ऑलरेडी अकाउंट में सेट होंगे और ये ट्रांसफर अमाउंट मल्टीपल्स में होगा 50 के। तो जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, BST के जितने भी डिपॉजिट फंड्स हैं इनकी एलोकेशन होगी, 97% डिपॉजिट अमाउंट जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस में, 2% डिपॉजिट अमाउंट जाएगा सिस्टम की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फीस के लिए, 0.5% अमाउंट जाएगा लकी प्राइस पूल के लिए, 0.3% अमाउंट जाने वाले 4-स्टार प्राइस पूल के लिए, 0.2% जाएगा टॉप प्राइस पूल के लिए। तो आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली बेसिस पर 1.5% इनकम मिलने वाली है, जो कि टोटल बनेगी 22.5% 15 दिन की। और आपका 30% अमाउंट तो रीइन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन 70% अमाउंट आप विड्रॉ कर पाओगे। तो यही है BSC का सबसे यूनिक मैकेनिज्म, जो आपको जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। तो आज जुड़िए BSC के साथ विद मिनिमम डिपॉजिट ऑफ $50 एंड मैक्सिमम $2,000। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।